फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की बात करता हूं। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इंट्रोड्यूस किया था। मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का जो अंतर है ये ही तय करता है कि जिंदगी में जो लोग उम्मीदों से भी आगे बढ़कर हासिल करते हैं और कुछ लोग इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब तय मानसिकता। आपको पता है कि अगर आपको जिंदगी में इंजीनियर, डॉक्टर या MBA ऐसा करके कुछ बनना है, उसके लिए एक रास्ता है और अगर आपके पास उसके रिलेटेड टैलेंट है तो आप वो कर लेंगे। या तो आप ये सोचते हैं कि आपको ये चीज भगवान की देन है, या फिर आप अपने टैलेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही तय रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूं तो इंजीनियर तो बन ही जाऊंगा। आप उसके बाहर की संभावनाओं को नहीं देखते। ये है तय मानसिकता या फिक्स्ड माइंडसेट। अब इससे क्या होता है कि आदमी अगर रिजल्ट 0 या 1 में हासिल नहीं करता है तो उसको आगे की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती, उसको आगे की कोई संभावना नहीं दिखती। मैंने बहुत जमकर तैयारी करी थी कि मुझे IIT क्लियर करना है, अगर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल गिर जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि कई बार आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, लाइफ में ठीक ठाक कर सकता है, लेकिन अगर मुश्किलें आ गई, फेल हो गया, रिजल्ट अगर अनुकूल नहीं आया जैसा आपने सोचा था, तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, यानी कि विकास की मानसिकता। अब विकास की मानसिकता ऐसी चीज है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या जो लोग नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं उनमें पाई जाती है। विकास की मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह है कि आपके पास हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है, आपके पास हमेशा संभावनाएं हैं, आप कभी हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपको यह लगता है कि अगर कोई चीज नहीं हुई तो कोई दूसरा रास्ता खुल जाएगा और आप किसी नई चीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा 0 और 1 से ऊपर और अलग भी रिजल्ट नजर आते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आप जितनी बार गिरते हैं या आप जितनी बार असफल होते हैं, उतनी बार आप और आगे बढ़कर नई चीजों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज सिर्फ आपकी पढ़ाई या करियर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पर्सनल लाइफ में जरूरी है, आपके रिश्तों में जरूरी है, आपके जनरल कॉन्फिडेंस। और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो ग्रोथ माइंडसेट से चलते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं। दूसरी चीज, हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर फेल्योर यानी कि असफल होने का डर बहुत गहरा होता है और वो डर आता है फिक्स्ड माइंडसेट से। फिक्स्ड माइंडसेट आपका, फिक्स्ड माइंडसेट आपके घर वालों का, फिक्स्ड माइंडसेट आपके आसपास के लोगों का। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप फेल होने से डरेंगे नहीं और एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जो दरअसल IIT के एग्जाम में पास नहीं हुए, लेकिन आज ऐसी कंपनी चला रहे हैं जहां IIT के लोग काम करते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट उस हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ग्रोथ माइंडसेट का। जैसे कि आप अपने करियर में किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि कई सारे रीजंस और कारण के कारण आपकी वो चीज क्लियर नहीं हुई, लेकिन आप जैसे जैसे जिन स्किल्स को भी आपने सीखा है, उस स्किल्स को और उन सारी चीजों को किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई संभावना है। तो उससे क्या होता है कि उससे लाइक माइंडेड लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होने लगेंगे और आपको नए रास्ते नजर आने लगेंगे। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट से आपका नेटवर्क बनता है। ग्रोथ माइंडसेट से आप खुद भी ये डिस्कवर करने लगते हैं कि और क्या नई चीज है जो मैं कर सकता हूं और कंटिन्यूअसली सीख सकता हूं। ये मत भूलिए कि जिंदगी में हार या जीत आप हमेशा अपने नजरिए से देखते हैं। ये चीज मैं नहीं कर पाया तो मैं हार गया, या ये चीज मैंने कर ली तो मैं जीत गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिक्स्ड माइंडसेट आता कहां से है और कैसे नहीं आना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट आता है तारीफ से,
जी हाँ, आपने सही सुना, फिक्स्ड माइंडसेट आता है तारीफ से। क्या होता है कि जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं, हमें एक पुरस्कार दिए जाने की पद्धति में डाल दिया जाता है। कहने का मतलब एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म, मतलब बेटा तुम अच्छे नंबर ले आए तो तुम बहुत तेज हो, और ये चीज हमारे दिमाग में बैठती जाती है। और इससे क्या होता है कि हम हारने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमको हमेशा दूसरों की अपेक्षाएं रखनी है, एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि भाई मैं जहां भी जाऊं, जिस एंट्रेंस एग्जाम में जाऊं, जहां भी जाऊं, जिस स्कूल में जाऊं, वहां मुझे टॉप करना है, मुझे हर एग्जाम को क्लियर करना है। जरूरी नहीं है। तो कैरल ड्वेक क्या बताती हैं? वो ये बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ये जरूरी है कि सिर्फ रिजल्ट की तारीफ नहीं की जाए, प्रोसेस की तारीफ की जाए। जैसे अगर बच्चे एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं तो उनको ये नहीं बोलो कि तुम बहुत तेज हो क्योंकि तुम अच्छा कर गए, उनको ये भी बताओ कि तुमने काफी मेहनत की थी और मेहनत करना एक अच्छी चीज है। इससे क्या होगा कि आप फिक्स्ड माइंडसेट के नहीं होकर ग्रोथ माइंडसेट के होंगे, और ग्रोथ माइंडसेट में आप ये सोचेंगे कि जब तक मैं प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब अगर मैं 3 महीने कम से कम जिम नहीं जाऊंगा तो मेरी बॉडी नहीं बनने वाली। तो प्रोसेस को जानना, अप्रिसिएट करना और हमेशा लर्न करना बहुत बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी पा सकते हैं, मगर तभी जब तक कि आपके दिमाग में एक ये चित्र बना रहेगा कि चीजें बदलती हैं, मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूं, मैं कुछ भी सीख सकता हूं और कोई भी चीज हासिल कर सकता हूं। और यह नहीं सोचना है कि मैं जैसा हूं मैं ये चीजें कर सकता हूं, उसके आगे नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा अंतर है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को कहते हैं चूहों का व्यापारी। ये एक बहुत सिंपल स्टोरी है एक बच्चे की जो अनाथ होता है। अब अनाथ बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता तो बड़ा दुखी बैठा होता है, और तभी उसकी नजर पड़ती है एक मरे हुए चूहे पर। तो काफी सोचने के बाद वो अपने पास खड़े किसी चाचा या किसी बड़े से ये पूछता है कि इस मरे हुए चूहे का क्या करेंगे। तो वो कहते हैं अब इसका भी क्या कर सकते हैं, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। बच्चा किंतु कुछ अलग सोच रहा होता है, क्योंकि वो किसी कारण बस फिक्स्ड माइंडसेट का नहीं होता और ग्रोथ माइंडसेट का होता है। तो वो चूहे को उठाता है और लेकर चल देता है। रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखता है, उस व्यापारी को एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही होती है। तो वो कहता है कि व्यापारी भाई, क्या आप ये चूहा मेरे से खरीद लोगे और अपनी बिल्ली को दे दोगे तो शायद वो शांत हो जाएगी। व्यापारी कहता, मैं लकड़ी का व्यापारी हूं, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, और मरे हुए चूहे के लिए पैसे कौन देगा, अगर तुम मुफ्त दे सकते हो तो दे दो। तो लड़का कहता है कि ठीक है, आप बदले में मुझे कुछ लकड़ियां दे सकते हैं। तो व्यापारी उसे कुछ लकड़ियां दे देता है। फिर लड़का वो लकड़ियां लेकर वहां से चलता है, और आगे जाने के बाद वो अपनी लकड़ियों को अपने साथ रखता है। अगले दिन संयोग से बारिश हो जाती है, तो बारिश में वो उन लकड़ियों को लेकर लोगों के घरों में जाता है, कहता है कि अगर आपकी बारिश की वजह से आपकी लकड़ियां कुछ गीली हो गई और आपके यहाँ खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं हो तो मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं। और इस समय लोगों को जरूरत होती है तो होता यह है कि लोग लकड़ियों को खरीद लेते हैं कुछ पैसे देकर। फिर कहानी ऐसे जाती है कि वो और लकड़ियां लाता है, उन लकड़ियों को फिर कुछ और लोगों को बेचता है, और धीरे धीरे वो लकड़ियों का व्यापारी बन जाता है। फिर वो उसके पास बड़ी गाड़ियां, बंगले, वो सब कुछ हो जाता है। कहानी से सीख ये मिलती है कि आप किसी भी मोड़ पर ये नहीं सोच सकते कि कहानी यहीं खत्म हो रही है। हमेशा एक पॉसिबिलिटी है, हमेशा एक संभावना है, और आपको ये देखते रहना पड़ेगा, हर मोड़ पर यह देखते रहना पड़ेगा कि अगला रास्ता कहां को खुलता है। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुलेगा। अगर आज आप एक कंपटीशन में पास नहीं हो पाते तो हो सकता है कि आप कल को एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, हो सकता है कि आप एक यूट्यूब पे एक बिजनेस बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है, खासकर आज के जमाने में जहां पर रिसोर्सेज सब कुछ ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। दूसरी बात कि फिक्स्ड माइंडसेट को बदलना है, आपको ये सोचना है कि आप हमेशा सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लर्न एंड ग्रो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि किसी भी पल ये नहीं सोचें कि आपका टैलेंट या आपकी गॉड गिफ्ट या भगवान की कोई देन
या कोई भी चीज ऐसी जो आप बचपन से लेकर आए हैं, या फिर चाहे वो पैसा हो या चाहे आपकी इंटेलिजेंस हो, उसके कारण ही आप किसी कोई चीज जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। आदमी जिंदगी में कोई चीज इसलिए हासिल करता है क्योंकि वो लगातार सीखता है, इसलिए नहीं हासिल करता क्योंकि उसके पास वो पहले से पड़ी हुई है। तो अपने माइंडसेट को बदलना जरूरी है, और ग्रोथ माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए कोई भी रास्ता कहीं भी बंद नहीं होता, आप कुछ भी बन सकते हैं। याद रखें, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, और ये ग्रोथ माइंडसेट का जो अंतर है यही तय करता है कि कौन क्लास में सिर्फ फर्स्ट होने की सोच रहा है और कौन ये सोच रहा है कि दुनिया को कैसे बदलना है। तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए आज ही।